एवरीवन जो लोग यहाँ पे आए हैं और इतना सपोर्ट किया, बहुत प्यार करते हैं सभी। एंड बर्थडे यार, बहुत सारी ब्लेसिंग मिली, बहुत सारी विशेस मिली, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, फोन हैंग कर दिया, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोग बहुत प्यार करते हैं। गाइस ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहिए, एंड प्लीज थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। थैंक यू। और इतने सारे बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट हैं जो भी लेटेस्ट बाहर आए हैं, ओटीटी वाले अपने जी इतना सारा प्यार दे रहे हैं, तो उसके कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं यहाँ पे उनके लिए, उसमें क्या कुछ रहता है? आप तो डायरेक्टर हो गए, जी 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 गाने जी जी को डायरेक्ट करने के क्या प्लान करते हैं? यार टोटली जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। बिग बॉस के साथ पुराना रिश्ता रहा है, बिन 5 to 6 years में वहाँ के लोगों को स्टाइल किया है, बट नाउ सिंस आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो अभी हम म्यूजिक वीडियोस पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस हमने डायरेक्ट किए हैं, इंटरनेशनली हम कर रहे हैं, ग्लोबली हम लेवल पे हम काम कर रहे हैं। हमने बाकू अजरबैजान में 5 गाने किए हैं, 5 गाने मैंने दुबई में किए हैं, अलग अलग आर्टिस्ट के साथ, कुछ नए चेहरों को मौका दे रहे हैं, कुछ सक्सेसफुल फेसेस हैं, साई केतन राव है, रोहित चंडेल है, एंड गौतम बिग है, एंड देयर सो मेनी आर्टिस्ट जिनको हम यू नो एज अ हमारे सॉन्ग्स में कास्ट कर रहे हैं, एंड उनके साथ कुछ कुछ अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लेके आ रहे हैं। एंड एक गाना हमारा ऑलरेडी ऑन एयर हो गया है जी म्यूजिक पे, पहली बार हो रहा है, एंड विद ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट वो 1 मिलियन क्रॉस कर गया है। सो गाइज प्लीज सपोर्ट कीजिए और ट्रेंड पे लेके आइए हमारे गाने, हमारे काम को। ओके थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे थैंक मोहित। यू सो मच यहाँ आने के लिए, और जैसे हमेशा साथ निभाया है आगे भी निभाते रहिए, ऐसे ब्लेसिंग देते रहिए, एंड आई एम श्योर मैं कुछ अच्छा काम करता रहूंगा और आप आई लोगों का। एम श्योर, बिकॉज अभी डायरेक्ट एज अ डायरेक्टर जैसे अमित ने बताया कि न्यू इनिंग स्टार्ट हो रही है, तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कुछ ज्यादा ही करते हैं। एंड सभी या बीइंग अ क्रिटिक, आई एम लाइक वेरी वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे क्या आने वाला है, एंड आई होप कुछ भी आए जो अच्छा आए, वरना ना आए। I'm sure. और आज मैंने सुना आप अपने नए गाने का लॉन्च जो जी 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 हमारा ऑलरेडी एक गाना ऑन एयर हो गया है, पहली बार हो रहे हैं, और नया सॉन्ग एक और आ रहा है जो कि तेरी आंखों में, जिसका लॉन्च कल है, कल ऑन एयर जा रहा है जी म्यूजिक पे। सो गाइस जैसे तेरी आंखों में के लिए आपने सॉरी पहली बार के लिए आपने प्यार दिया है, 1 मिलियन क्रॉस कर दिया, उस गाने को भी उसी तरह सपोर्ट कीजिए। दोनों ही चेहरे हम लॉन्च कर रहे हैं, दीपक सिन्हा और एंड आयरा बंसल को। सो गाइस बहुत 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 प्यार कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। मनीष के 3 से 4 गाने और आ रहे हैं, एक बारिश का बहुत प्यारा सॉन्ग आ रहा है उनका, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 10 to 15 days मोर। अभी तो बता दें अभी मनीष जी आइए, मनीष जी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए मनीष जी, आ जाओ मनीष, आइए कब। अभी ठीक कैसे कहेंगे, आज बर्थडे है, क्या विश कर रहे हैं आप? आज मेरे दो दो दोस्तों का बर्थडे है, हिमांशु झुनझुनवाला का भी और मोहित कपूर का भी, तो मोहित कपूर के लिए खास पार्टी रखी है, हिमांशु पर्दे के पीछे जरा छुपे हुए हैं, तो बड़ा ही अच्छा दिन है आज का दिन, सो एब्सोल्यूट हैप्पी। एंड मोहित के लिए बिकॉज, और मनीष के लिए भी, उसके एक गाना ऑलरेडी आ चुका है, 2 और आने वाले हैं, तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट अंडर द मेंटरशिप ऑफ मोहित कपूर, जो इस साल एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर डेब्यू कर रहे हैं। सो आई होप कि बहुत सारा अभी म्यूजिक वीडियो आए हैं, फिर ओटीटी शोज आए हैं, फिर फिल्म आए, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दैट आई इंटरव्यू हिम इन वेरियस फेजेस ऑफ हिज लाइफ। एंड एकता क्या कहेंगे, मोहित की जर्नी यू हैव सीन, मोहित की जर्नी तो हमने देखी है, मैंने मोहित के साथ काम भी किया है, एंड वर्क एज माय फैशन आउटफिट डिजाइनर और सब कुछ किया उन्होंने मेरे लिए, पूरा स्टाइलिंग किया मेरे लिए, एंड वो फोटोज आज तक मेरे सारे फैंस जो हैं कहते हैं दे आर द बेस्ट टिल नाउ। सो वो एक झलक थी, वो एक ट्रेलर था मेरे लिए, सो आई नो व्हाट, दैट्स व्हाई आई सेड कि आई एम ऑलवेज कीपिंग माय एक्सपेक्टेशन सो हाई कि अभी नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी आए तो बहुत ही अच्छा आए, बेहतर आए, वरना ना आए। यस मनी, हमने आपका काम तो देख लिया एक म्यूजिक वीडियो में, यू आर वेरी इनोसेंट, वेरी नेक्स्ट डोर जो सिंपल बॉय होता है, वेरी बहुत अच्छा लगा उसमें, तो अभी नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो क्या आने वाले हैं? अभी नेक्स्ट तो बहुत कुछ आने वाला है, सबसे पहले हैप्पी बर्थडे मोहित कपूर एंड हिमांशु भैया, तो सब क्रेडिट उनको ही जाता है क्योंकि इज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, तो इवन स्टाइलिंग भी उनकी है, मोडा टीम की, तो आउटकम तो अच्छा आने वाला है। तो जब ये डायरेक्ट करते हैं तब आपका कान वान पकड़ के बोलते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो? हाँ जी, हाँ जी, मैंने BTS कवर किया तो बहुत चिल्ला।
मुझे उस टाइम ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे घर वाली फीलिंग आती है, तो मैं नर्वस नहीं होता, तो मैं ऐसे रहता हूँ कि हाँ ठीक है, जैसे घर पे बहुत कम्फर्टली मैं शूट करता हूँ तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है क्योंकि मुझे माहौल मिल जाता है, क्योंकि डांट लग रही है ठीक है काम चल रहा है, तो एक होता ना एक्टर को हाँ मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब काम करूँ तो थोड़ा देख के हर चीज़ों को ध्यान रखना होता है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यार होमली फील आ रहा है, तो मैं और ज़्यादा कम्फर्ट होकर बहुत अच्छा आउटकम देता हूँ। जो आपने देखा ही है पहले वाला, पहली बार सा 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है और बहुत सारी रील्स बन रही है, बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है, बस ऐसे ही प्यार मिलता रहे और आगे बढ़ते रहे। Wow, wow. और मतलब जैसे डांट पड़ती तो एक डिसिप्लिन आ जाता है अपने आप, सो आई वाज लाइक एक्सपेक्टिंग कि अच्छा ही है, तो एक और सपोर्ट मिल गया उस बात के लिए कि अच्छी ही चीजें आने वाली हैं। एक और चीज बोलना चाहूंगा, मोहित एक और अच्छा काम कर रहे था जी, वो देशों को मतलब मोदी जी के बहुत भक्त है, तो मोदी जी को इस तरह देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इन्होंने अभी बाकू अज़रबैजान में अपना शूट किया, आगे रशिया जॉर्जिया ऐसी कंट्रीज में मॉरिशियस अभी किया, दुबई, तो ये एक तरह से वही भारत जोड़ो सपना मतलब भारत को विदेशों से और जोड़ रहे हैं, ऐसी कंट्रीज के बारे में सुना नहीं है वहां जा रहे हैं, तो आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू दैट। यस, वो कुटुंबकम का जो एक पूरा था, वन वसुदेव कुटुंबकम का आप पूरा फॉलो कर रहे हैं, सो आई एम वेरी इंप्रेस्ड एंड आई होप टू सी यू ग्रोइंग अहेड इन योर लाइफ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। मोहित का बर्थडे है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरा भाई है, ठीक है, एक फैमिली मेंबर है, और मोहित को फिलहाल वैसे कुछ गिफ्ट तो नहीं दे सकती हूँ फिलहाल, अरे आप आगे वही गिफ्ट करें, बट मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं और आई थिंक दुआ से बढ़कर कोई चीज होती नहीं है, सक्सेस रहे हमेशा हमेशा, मेरा भाई काम ऐसे करते रहे। मैं मोहित को तब से जानती हूँ जब बहुत कुछ नहीं था और अभी बहुत कुछ है, स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त और अभी बहुत कुछ कर रहा है, सो आई एम सो ग्लैड कि मोहित यहाँ तक तुम पहुंचे अपनी मेहनत से, और आगे भी ऐसे काम करते रहो और हमें भी साथ में लेकर चलो। हमने काम किया गाइस, हमने फैशन शोज किए हैं, म्यूजिक वीडियो किए हैं, उन्होंने ऑलरेडी विश कर दिया है ये सारी, जितनी भी आप डेकोरेशन देख रहे हैं ये रश्मिका मैम जी की तरफ से मेरा बर्थडे गिफ्ट है, इन्होंने बहुत ही प्यारी डेकोरेशन की है, जैसे मुझे चाहिए थी, सिंपल क्लासी एंड वाओ, एंड उन्होंने वैसे ही किया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, यू आर ऑलवेज वेलकम एंड इट्स अ गिफ्ट फॉर यू बिकॉज़ यू आर अ वेरी डियर फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर टू मी, एंड आई वाज वेरी ऑनर्ड दैट यू कॉल्ड मी जी। मैं एक छोटी सी बात शेयर करना पड़ूंगा, मैं इनको तब से जानता हूँ जब मैं जॉब करता था, आज से 5 साल पहले की बात है, हम होटल में जब मैं जॉब करता था तो ये हमारे एज व्हाट डू से डेकोर पार्टनर होटल के लिए आया करते थे, एंड मैंने आज उनके दिस मॉर्निंग में बोला कि मेरा ऐसे ऐसे बर्थडे, एंड शी सेड आई वुड लव टू डू, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग, यू आर ऑलवेज वेलकम एंड गॉड ब्लेस यू एंड मे दिस डे कम एवरी ईयर एंड वी सेलिब्रेट इट लाइक दिस इन अ बिगर वे, बिगर वे, यस Always. Thank you so much. You're always welcome. Thank you. आज मोहित का बर्थडे है. Happy birthday to you, Mohit. Thank you so much. और ये बोलना चाहूँगी कि it's very special. Actually, he is very special for me. He is not only director. He is not only producer, styler for me. He is my mentor actually. That's why I came here. Thank you so Happy much. Happy birthday to you. Thank you so much. Thank you. मोहित को मैं काफ़ी दिनों से जान रहा हूँ और ये काफ़ी बहुत मैं मतलब जब से मुंबई आया हूँ तब से ये मुझे मेंटोर कर रहे हैं और काफ़ी सारे काम किए हुए हैं इनके साथ और अभी कुछ ऐसे काम जो है जो हाल में ही 2-3 दिन में आने भी वाले हैं। इन्हीं का गाना कल रिलीज हो रहा है यार, तेरी आंखों में गाइस, बहुत बहुत प्यार दीजिए, धीमे दिख की खास पेशकश, एंड कल लॉन्च हो रहा है इनका गाना तेरी आंखों में गाइस, प्लीज सपोर्ट कीजिए, हमारा वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स फॉर देम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, आपका फोटो। Of course, he is like amazing guy in this world, and of course, I want to say happiest birthday, bro. Keep shining, keep rocking. How you do it? And yes, how people know him, like he is always about passionate about his work. Like he always style people. People look great because of him. So yeah. Thank you. Big Boss, you are also part of the Big Boss show.
यार अभी तो स्टार्ट हुआ है, मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं यार, साई केतन मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसके साथ हाल ही में हमने म्यूजिक वीडियो शूट किया, सना सुल्तान मेरे को 5-6 साल से जानती है, बहुत अच्छी दोस्त है यार, मैं उन दोनों के लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा, बिकॉज उन दोनों को मैं बहुत अच्छे क्लोजली जानता हूँ, एंड आई होप कि दोनों में से कोई जीत जाए। थैंक यू। And as a designer, I think he's brilliant, man. And tabhi mere itne acche dost bane kyunki unme designing jo hai poot poot ke bari hai. Yeah. Who has been? Has he? No. What do you say? Hello. Yeah, hello. Hello. Wishing you a very happy birthday. Kya baat hai? पूछो कुछ सवाल लिख के। मैंने आपकी बड़ी तारीफ की है अभी डिजाइनिंग की, अब आप मेरी तारीफ। अरे सिम्बा को मैं आई थिंक 2-2.5 साल से अच्छे जानता हूँ, ठीक है, काम रिसेंटली स्टार्ट किया है, बिग बॉस का फैन हूँ, फिर उनको स्टाइल किया, अभी रिसेंटली भी एक म्यूजिक वीडियो करके आ रहे हैं हम लोग मॉरिशस में थे, ठीक है, बहुत मजे किए, 5-6 दिन हमने मस्त शूट किया, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड ऐसे ही यार आते रहो, प्यार से आते रहो, बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है, बहुत काम करेंगे, बहुत सारे काम करेंगे, सुन हम और अच्छी जगह कंट्री फ्लाई करने वाले हैं, और अच्छे एक और yep. वीडियो के लिए फॉर माय प्रोडक्शन एंड आई विल बी मोर डायरेक्टर, या थैंक यू थैंक यू। यार मोहित को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, और मोहित का नेचर जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट है बाकी के लोगों का, सब लोग अच्छे होते हैं बट उन लोगों में कुछ कुछ डिफरेंट वाइब होती है, इनकी वाइब हमेशा पॉजिटिव वाइब बनी, मैंने इनके साथ काफ़ी काम किया है, हमने एक शेड्यूल किया था जयपुर में, 5-6 सॉन्ग्स का शेड्यूल किया था, उसमें भी भाई थे, अभी मॉरिशस में हमने 5-6 शेड्यूल किया, 5-6 सॉन्ग्स का शेड्यूल किया, उसमें भाई है, वी हैव डन मोर देन 15 सॉन्ग्स, या सो अभी हमने काफी काम किया और आगे भी काफी काम करें, बिकॉज पॉजिटिव वाइब, और इतना बेहतरीन काम करते हैं, कॉस्ट्यूम ओ माय गॉड बोलूंगा नहीं, अभी मेरा एक गाना आने वाला है, क्या कॉस्ट्यूम किए हैं, मतलब मैंने मेरी सोच होती है, डायरेक्टर की सोच होती है कि गाने के अंदर कॉस्ट्यूम की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, वो शायद ये मेरी समझ पाते हैं हर वक्त, मैं जब भी इनसे डिस्कस करता हूँ सॉन्ग्स को लेकर, तो ये खुद से इन्हेंस करते हैं चीज़ों को, ताकि कुछ बोलिए भाई के लिए। सबसे पहले तो भाई को हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच, भाई के साथ अभी हाल ही में हमने शूट किया है मॉरिशस में एक सॉन्ग है, और दूसरे सॉन्ग के लिए भी भाई की कॉस्ट्यूम कर रहे हैं हमारा, थैंक यू सो मच, बहुत जल्द शूट करेंगे, थैंक यू थैंक यू। फर्स्ट आई वुड लाइक टू से समथिंग, ही इज द जीएम ऑफ द होटल, एंड इन्होंने मेरे को बहुत 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 सपोर्ट किया जब मैंने अपना करियर की शुरुआत की थी, तब से एज अ हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ये मेरी मुझे हेल्प कर रहे हैं, मुझे छोटा भाई मानते हैं, एंड आज का जितना भी अरेंजमेंट है थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स टू गोल्डफिंच होटल, इन्होंने पूरा सेटअप लगा के दिया, एंड दे आर अवर हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, एंड इनकी सर्विसेज ऑलवेज रॉक ऑलवेज बेस्ट, थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन, and it's a good opportunity to wish him a happy birthday. Thank you, sir. Happy birthday, brother. Thank you so much. Thank you. Thank you. Audio. Audio. Hey. Aare baapre. Happy birthday. Bye. Good. Kya baat hai. Ek number. Hi. Good. Right. Good. Right. Likha bhi mohi bhai. So I am very very happy that I have been privileged enough to be his friend and come to his birthday party, and we have recently become very good friends, so I'm really really wishing him all the luck, all the success and prosperity for his upcoming years, and have a great great birthday. धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत आने के लिए। मोहित और मैं बहुत कम मिले हैं, बट जितने भी मिले हैं बहुत अच्छी मुलाकात हुई है मोहित के साथ, एंड आई रियली विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे, एंड यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन, थैंक यू सो मच। अरे यार बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा आज, इनफैक्ट काफी टाइम के बाद मेरी मुलाकात होगी उससे, बीच में मैंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया था, सामने आना बंद कर दिया था, अभी मैं आ जाता हूँ, कभी कभी निकल जाता हूँ घर से, तो खैर बहुत खास दोस्त है, सामने ही खड़ा है क्या।
जैसे कहा कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई मेरी मोहित से, पतले हो गए तुम, आप भी बताओ मेरे बारे में अच्छी बात है यार। शहजान को मैं आई थिंक 1.5 साल के साथ से जानता हूँ, इसी होटल में शूट किया था उसके बाद बहुत सारा काम किया एंड मैनी वांट टू कम टुगेदर, मैनी वांट टू एक इनवाइट पे आ गया। थैंक यू सो मच। अरे तो क्या खिला रहे हो, भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, चलो चलते हैं कुछ खा के आते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलो हेलो सर, हां हेलो सर, हां आई डोंट नो आई डोंट नो ये इतने अलग और खास कर ये मेरा भाई है तो फिर ये तो स्पेशल चीज है कि इनके बर्थडे में आए हम कैसे काम सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यस सोनिया, देखिए सोनिया मेरी बहन, जैसे ने बताया मेरी बहन है, बट उसके अलावा काम बहुत सारा किया, बहुत सारे शूट्स किए हैं, बिग बॉस में फैंस उसके अलावा अभी रिसेंटली इनके साथ मैंने गाना किया है, पहली बार हो रहा है, गाना अच्छा चल रहा है, 1 मिलियन क्रॉस कर गया है, बहुत सारा काम हम लोग साथ करने वाले हैं, अभी यूरोप फ्लाई कर रहे हैं और अच्छा प्रोजेक्ट करने वाले हैं। जब भी हमें जरूरत होती है तो उन्हें सबसे पहले हाजिर होते हैं हमारे, क्योंकि पहली बात तो मोहित चीजें बहुत अच्छी करता है, इनफैक्ट यू नो इतनी कम टाइम में उन्होंने जितना अचीवमेंट किया है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और मेरे भाई ने किया है वो और जब भी होता है ये मेरे को बहुत ऊपर रख के चलता है कि जो भी काम होता है सबसे पहले मैं होती हूँ उसके काम, एक दूसरे को सपोर्ट कर करके सीढ़ी बाय सीढ़ी चलते जा रहे हैं एंड आई एम श्योर आने और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। बोलो हैप्पी बर्थडे टू माय डियर फ्रेंड मोहित। फ्रेंड क्या, मेरा भाई है, ही स्टाइल मी इनसाइड द बिग बॉस हाउस, ही इज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी, सो आई हैड टू बी हियर। उसको पता था कि वो एक मैसेज करेगा तो मैं आ जाऊंगा। हां ये एक ऐसे बंदे हैं, आई मस्ट से दैट जब भी इनवाइट किया है ना 99% आए हैं, 1% कहीं शूट कर रहे हैं, व्यस्त तो लग पाता है, बट 99% हर इवेंट में आए हैं, तो थैंक यू सो मच भाई, आई लव यू, सी यू, थैंक यू सो मच। हो गया, चलो थैंक यू, बोल बाओ। ऑनेस्टली खतरों के खिलाड़ी में मैं शालिन को जानता हूँ और कौन कौन है मुझे पता भी नहीं, बिकॉज आई वाज शूटिंग कंटिन्यूसली, मैं एक सीरीज कर रहा था तो मुझे नहीं पता, पर शालिन इज अ फ्रेंड और अच्छा है यार, वो कंटेस्टेंट भी अच्छा ही होगा। करण है, करण मेहरा, वो अच्छा है कंटेस्टेंट, दीज आर माई फ्रेंड्स, और बाकी तो और भी होंगे दोस्त पर देखा नहीं। कौन, शिल्पा शिंदे को मैं नहीं जानता है, जेनरली नहीं जानता, जिनको नहीं जानता उनके बारे में क्या बोलूं, शी इज बट शी इज ऑलवेज बीन वेरी चैलेंजिंग, तो शी विल आल्सो बी अ वेरी गुड फियर्सी कंटेस्टेंट, बिकॉज ओटीटी अभी तक मैंने देखा नहीं है, पर फ्रेंकली स्पीकिंग बिग बॉस ओटीटी में रणवीर और एक दो कंटेस्टेंट्स के अलावा बाकी सब सारे यूट्यूबर्स और वैसे हैं, तो सना सुल्तान है, हाँ सना सुल्तान को मैं जानता हूँ ऑफकोर्स, और सना मकबूल को भी मैं जानता हूँ, अच्छा हो गया, हाँ तो सना मकबूल को मैं जानता हूँ, रणवीर को जानता हूँ, सना सुल्तान को जानता हूँ, ट्रस्ट मी इसके अलावा मैं जेन्युइनली, मैंने एक इंट्रोडक्शन एपिसोड देखा था, इसके अलावा मैं किसी को जानता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ओटीटी पर ओटीटी वाले कंटेस्टेंट्स होने चाहिए, जैसे कि यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया वाले, और जो जो मेन शो है जो कलर्स पे आता है सलमान सर वाला शो, उसमें सिर्फ एक्टर्स, टेलीविजन एक्टर्स और फिल्म एक्टर्स को होनी चाहिए, क्योंकि ना वरना एक अजीब सी खिचड़ी बन जाती है, ऑडियंस डजंट एंजॉय इट, सो और अब तो बहुत इनिशियल डेज है, आहिस्ते आहिस्ते जब ओटीटी ग्रो होगा और आगे जाएगा तो बहुत मजा आएगा, वो तो झकास होस्ट करेंगे यार, पर अनिल सर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन बिग बॉस तो सलमान सर के नाम से जुड़ा हुआ है, देयर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स, मतलब शोले में गब्बर नहीं तो शोले नहीं, वैसे ही है, तो बिग बॉस में सलमान सर नहीं तो बिग बॉस नहीं। चल
मोहित इज अ डियर फ्रेंड, आपको भी पता है कि मैं बहुत कम लोगों की पार्टीज में जाती हूँ, बहुत कम अपीयरेंसेस देती हूँ, और मोहित इज फैमिली. मोहित एक बहुत ही टैलेंटेड सोल है, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत टैलेंटेड हैं और छोटे छोटे शहरों से आकर बॉम्बे में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए. मैं भी छोटे शहर से हूँ और बहुत सारे अच्छे लोगों ने मेरा साथ दिया है, तभी मैं कहीं ना कहीं लाइफ में पहुंच पाई हूँ, और आगे भी यू नो उनकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है. सो आई एम ऑलवेज गोना बी देयर फॉर मोहित बिकॉज आई थिंक ही इज़ एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग एंड वेरी टैलेंटेड. ओहो आपने तो पूरी ओके. सो बेसिकली कन्वर्जन लास्ट ईयर रिलीज हुई थी फिल्म, और काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म थी. लोगों ने मेरी परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहा है, और अब सबसे अच्छी बात है कि एटलीस्ट हमारी फिल्म एक ऐसी फिल्म बनी है जो कि लव जिहाद के बारे में बहुत खुलकर बात कर रही है, और लोगों से बहुत ही प्रेरणा मिल रही है, और लोगों को अब समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में लव जिहाद रियल चीज़ है, और ये नहीं होनी चाहिए अगर ये हिंदुस्तान में हो रही है. सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि आपने भी इसे देखा है. एंड ऐसे ही बहुत सारे सशक्तिकरण वाले जो मुद्दे हैं वो लेकर मैं आ रही हूँ. इस साल मैंने 2-3 फिल्में शूट की हैं, वेब सीरीज़ किया है रज्जो जिसकी पोस्ट प्रोडक्शन हो रही है, और रतनपुरा नाम की एक फिल्म भी की है, और म्यूज़िक वीडियोज़ तो काफ़ी सारे, अभी जावेद अली के साथ जो म्यूज़िक वीडियो था दिल ऐसा तोड़िएगा वो रिलीज हुई. सो एक और फिल्म है जिसके बारे में मैं बहुत जल्दी डिस्क्लोज करूंगी, वो भी काफ़ी अच्छी फिल्म है, एज ए लीड कर रही हूँ वो भी. तो बस काफ़ी कुछ चल रहा है, आप लोग अपना आशीर्वाद इसी तरह से दीजिए कि हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा और ब्राइट करती रहूँ. थैंक यू, थैंक यू सो मच. अब नाजुक हूँ ना, चक्कर आ सकते हैं. बोले पूछे. बर्थडे पे बोल दूं. सो मोहित का बर्थडे है, एंड मोहित हमारा बहुत बहुत पुराना फ्रेंड है. एक्चुअली उसके साथ मैंने बहुत सारे शोज, फैशन शोज किए हैं, एंड ही इज़ अ डार्लिंग. और उसका बर्थडे और हम नहीं आएंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मैं उसके लिए बहुत सारे विशेस करूँगी कि वो अच्छा रहे, खुश रहे, ऐसे ही हमेशा यू नो तरक्की करते रहे, क्योंकि उसका लाइफ जो है, उसका जर्नी जो मैंने देखा है, नाउ ही इज़ लाइक डूइंग वेरी गुड जॉब. सो मुझे बहुत खुशी है उसके लिए, एंड मैं चाहती हूँ कि वैसे ही प्रोग्रेस करते रहे. हाँ, आप लोग मेरा नया शो प्लीज़ देखिए, माटी से बंधी डोर, जो आ रहा है स्टार प्लस पर. हमने बहुत मेहनत की है, और हर शो के लिए इंसान मेहनत करता है, नो ये बहुत पुरानी लाइन हो गई कि हमने मेहनत की है, पर वो बहुत अलग शो है, माटी से जुड़ा हुआ है, और मेरा किरदार उसमें बहुत डिफरेंट, सिंपल एक विलेज गर्ल का है. सो उसे प्लीज़ सराहिए और बहुत सारा प्यार दीजिए. Thank you. I like that. You should have your glasses, bro. Yeah. Not more yeah. चलो ready. आज मोहित जी का जन्म दिवस है. जी. बहुत खुशी हुई हमें, और he's one of the best guy I ever known. और बहुत काम भी किया हमने साथ में. अभी हमारा एक काम भी बाहर आने वाला है. बहुत जल्दी. Yeah. Maybe. By 7th or 8th, आप एक बहुत प्यारा गाना देखेंगे जो मैंने डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस किया है. उनसे पहले मैं इनको बहुत बार स्टाइल किया है, बट एज अ डायरेक्टर फर्स्ट सॉन्ग इनके साथ किया हमने, जो बाकू में किया, बहुत प्यारा गाना निकल के आया है. गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. रोहित दादा, थैंक यू सो मच. तो आज मोहित का बर्थडे है, 30 साल, बट ही इज लुकिंग लाइक 13 ओनली. या आई वांट टू लुक लाइक दैट ओनली. ही इज अ यंग गाय. So, I'm happy, looking gorgeous, black. सब black पहन गए, देखा आपने? ये theme है हमारी आज. So black theme. Hello, boy. अरे कौन है बिग बॉस में? मेरे को तो ये भी नहीं पता, मैंने देखा नहीं. मेरे को सिर्फ वो पता कौन है, वो बड़ा पाव वाली. बड़ा पाव वाली. हाँ, चंद्रिका. हाँ, नहीं यार, मेरी फ्रेंड है उसमें, क्या नाम है उसका? नहीं नहीं, एक और है ना, सोना इकबाल. डार्क, एक्चुअली जो डार्क थोड़ी सी दिखती है, क्या नाम है? शिवानी. पौलमी दास. हाँ, तो मेरी एक दोस्त है पौलमी दास. आई थिंक शी इज अ वंडरफुल पर्सन, एंड
और हमने साथ काम भी किया एंड सो आई थिंक शी इज मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा था चंद्रिका के ऊपर तो या वो ऐसी ही है और वो ऐसी ही बातें करती है बट शी इज अ गुड गर्ल एंड आई थिंक शी इज गोना गो इन द टॉप सो होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी बाकी तो चल ही रहा है बिग बॉस ओटीटी देखते हैं और ये भी जाएगा किसी दिन बहुत जल्दी खतरों के खिलाड़ी हो या खतरों के खिलाड़ी में तो बहुत लोग हैं यार एक्चुअली मुझे भी आया था बट मेरा कुछ प्रोजेक्ट था तो मैं नहीं बट अपने बहुत दोस्त हैं अभिषेक है शालीन है बनॉट एंड बट मुझे ऐसा लगता है कि शालीन इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बिग बॉस क्योंकि बिग बॉस में रहा है वो मेरे साथ मैंने उसकी स्ट्रेंथ देखी है नॉट ऐसे वाली बट वो ऐसे वाली स्ट्रेंथ है उसमें एंड आई थिंक ही इज गोना मेक इट ऑन द टॉप और अभिषेक है अभिषेक इज डूइंग वेल और कौन है उसमें इस बार निमृत तो नहीं छोड़ो हाँ और बट या आई थिंक शालीन इज गोना रियली डू वेल और अभिषेक है आई थिंक आई एम गोना सपोर्ट बोथ ऑफ दीज गाइस चाहे मेरी शालीन की जैसे भी हैं बट ठीक है आई थिंक ही इज अ वेरी गुड गाय एंड हिज स्ट्रेंथ इज रियली गुड और मैंने कुछ क्लिपिंग्स भी देखी हैं जिसमें उसने स्टंट्स वंट अच्छे किए हैं एंड ही गॉट लॉट ऑफ प्रेजेस फ्रॉम रोहित सर सो हां बनता है उसका बिच्छू का फाइट करना बट बट बढ़िया बट बट आई थिंक इज गोना डू गुड या मुझे मुझे भरोसा है शालीन पे या ही विल डू गुड या थैंक यू बस मोहित को हैप्पी बर्थडे काफी टाइम बाद मुलाकात हो रही है उससे तो अभी मिलूंगा अंदर तो और सेलिब्रेट करते हैं थैंक यू